हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, साथ ही कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाइयां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दो सहयोगी डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, जिसमें से एक केशव मौर्य और दूसरे ब्रजेश पाठक हैं। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा दें कि बड़ी संख्या में लोग कल से ही उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और उनके घर के बाहर एक जमावड़ा लगा हुआ है। ये तस्वीरें उनके घर के बाहर की हैं और इतना ही नहीं, जाने वालों का नाम की एंट्री की जा रही है और साथ ही साथ फिर लोगों के जाने के लिए जो है वो अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद हैं और गाड़ियों के जो काफले हैं, दूसरी तरफ की हम तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ से लेके हजरतगंज तक तमाम लोग जो है जो मिलने वाले हैं उनकी गाड़ियों का एक तांता लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके पुलिस प्रशासन को ये जाम जो है वो खुलवाना पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और गाड़ियाँ लंबे जो है दूरी तक यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो तस्वीरों में साफ जाहिर है कि किस तरह से ब्रजेश पाठक से मिलने वाले लोगों का जो है वो उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ब्रजेश पाठक हालांकि सुबह से थे भी नहीं घर पे, तमाम मीटिंगों में थे, उसके बावजूद भी जो है वो मिलने वालों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। जब से इस बात का ऐलान हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, तब से बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं। फिलहाल अंदर जाने पे रोक लगी हुई है कि कोई भी अंदर जो है वो ऐसे नहीं जाएगा। हालांकि जिन लोगों को मिलना है उन लोगों को ही अंदर जाने की जो है वो अनुमति दी जा रही है। अंदर की हम तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर आपको तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक से मिलने वालों का यहाँ पे एक जमावड़ा लगा हुआ है और लोग उनके आने का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आवें और वो उनसे मुलाकात करें। तो ये सिलसिला कल से यूं ही अनवरत जारी है और लगातार मिलने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे लगातार लोग बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं, बुके देने के लिए आ रहे हैं और मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यवहार कुशल मंत्री के रूप में जाना जाता है ब्रजेश पाठक को, इसलिए तमाम लोग उनसे जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं और अब फिर इस बार जब डिप्टी सीएम बने हैं तो जाहिर है कि लोगों में खासा उत्साह है और कल से लेकर आज तक मिलने वालों का यहां पर तांता लगा हुआ है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं उत्तर